व्हाट्स अप फिल्मी पीपल, मैं हूं आकाश सीकरी और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई आप लोगों को इस चैनल पे वापस देख के। लेकिन अगर आपने है तो आपका फिल्म ज्ञान की फैमिली में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं करा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपने कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन कभी आपने सोचा इन फिल्म्स में ऐसे 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 या फिर ऐसे शॉट्स क्यों हैं? तो आज मैं आपको डिफरेंट कैमरा शॉट्स और उनके उद्देश्य के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला शॉट है एरियल शॉट। इस शॉट को हवा से फिल्माया जाता है और इसका उपयोग अक्सर स्थान स्थापित करने के लिए किया जाता है। दूसरा शॉट है एस्टैब्लिशिंग शॉट। ज्यादातर इस शॉट का इस्तेमाल फिल्म की शुरुआत में एरियल शॉट के बाद किया जाता है। मुख्य रूप से शॉट का इस्तेमाल स्थान स्थापित करने के लिए किया जाता है, जो कि सीन की टोन सेट करने में काफी मदद करती है। तीसरा शॉट है मास्टर शॉट। लोग ज्यादातर इस शॉट को एस्टैब्लिशिंग शॉट समझ लेते हैं, लेकिन इस शॉट का इस्तेमाल सीन में मौजूद सारे एक्टर्स को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। चौथा शॉट है वाइड या फिर लॉन्ग शॉट। ये शॉट आमतौर पर सब्जेक्ट को सर से लेकर पांव तक फ्रेम करता है और ज्यादातर इस शॉट का इस्तेमाल पर्टिकुलर सीन को एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। ये शॉट एस्टैब्लिशिंग शॉट के सामान्य है, लेकिन ये फोकस करता है कैरेक्टर्स, एक्टर्स और उनके सराउंडिंग पर। पांचवा शॉट है मीडियम शॉट। इस शॉट को सेमी क्लोज शॉट और मिड शॉट के नाम से भी जाना जाता है। इस शॉट में एक्टर को कमर के ऊपर से फ्रेम किया जाता है और इस शॉट का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है डायलॉग सीन्स में। और इस शॉट का मेन एम होता है एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और उनके आसपास के सराउंडिंग को कैप्चर करना, जिसकी मदद से ऑडियंस उस पर्टिकुलर सीन की परिस्थिति समझ सकती है। छठा शॉट है क्लोजअप शॉट। ये सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक कैमरा के आगे एक एक्टर के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। ये शॉट आमतौर पर कंधे के ऊपर से फ्रेम किया जाता है और पूरे फ्रेम में एक्टर के चेहरे को ही रखा जाता है। इस शॉट में सीन के सराउंडिंग को ना दिखाते हुए सिर्फ एक्टर के चेहरे पे फोकस किया जाता है, तो ये एक्टर के हाथ में होता है कि वो अपने स्किल्स को कैसे इस्तेमाल करता है एक स्टोरी शेप देने में। सातवां शॉट है एक्सट्रीम क्लोजअप। इस शॉट को परंपरागत रूप से फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है और ये शॉट एक्टर के चेहरे या फिर शरीर के किसी एक छोटे से हिस्से पर केंद्रित होता है, जैसे कि पलके झपकाना और होंठ दबाना, जो कि तीव्र और अंतरंग भाव दर्शाते हैं। अगला शॉट है टू शॉट। ये एक मीडियम शॉट है जो एक फ्रेम में दो एक्टर्स को दिखाता है। ये शॉट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दो कैरेक्टर के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। नौवां शॉट है लो एंगल शॉट। इस शॉट को थोड़े निचले पॉइंट से शूट करा जाता है ताकि करेक्टर को बड़ा दिखाया जा सके, जिसकी मदद से वो वीर, प्रभावशाली या फिर डरावने लगे। दसवां शॉट है हाई एंगल शॉट। लो एंगल शॉट के विपरीत इस शॉट को ऊपर से शूट करा जाता है, जिसकी मदद से करेक्टर को विनम्र, अवर या फिर कमजोर दिखाया जा सकता है। ग्यारहवां है ओवर द शोल्डर शॉट। इस शॉट में कैमरा किसी विषय के कंधे के पीछे स्थित होता है और आमतौर पर ये दो कलाकारों के बीच के वार्तालाप को फिल्माने के लिए उपयोग किया जाता है। और आखिरी शॉट है डॉली जूम या फिर जॉली शॉट। इस शॉट में कैमरा को आगे की तरफ ट्रैक और जूम आउट या फिर इसके विपरीत किया जाता है, जिसकी मदद से फोरग्राउंड तो अपनी जगह पे ही रहता है, लेकिन बैकग्राउंड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। और इस शॉट का इस्तेमाल अचंभा करने या फिर चक्कर आने की भावना पैदा करने के लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फिल्मी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो कि मोटिवेट करेगा मुझे ऑसम कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए। तब तक के लिए कुछ बढ़िया फिल्में देखिए और बनाइए।